कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं किसी परिवार में रहता हूँ, मैं किसी देश और धरती के साथ हूँ, मूल में मैं एक मानव हूँ, परिवार के साथ हूँ, उसके बाद किसी एजुकेशन सिस्टम और उसके बाद तमाम और चीज़ों के साथ हूँ। तो एक बार हम दृष्टि के बारे कुछ बात करते हैं और कुछ निष्कर्ष अच्छे निकल के आए। दृष्टि एक बार सेट हो तो फिर आगे की बहुत सारी चीज़ों को हम करेंगे। ये फ्रेम मैं इस दृष्टि से ले रहा हूँ कि जो हमारे नए मित्र पहली बार आए हैं उनके लिए भी एक कनेक्शन की जगह बन जाए, है ना, फिर हम साथ साथ चल पाए। तो देखिए, कहीं भी धरती पे मानव है, हर मानव दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, वो किसी भाव के साथ है, वो किसी विचार के साथ है। और भाव और विचार आदमी के अंदर 24/7 है, और ये भाव और विचार ही मेरे सुख दुख का कारण बनता है। ऐसा है, जो भी कुछ मैं कह रहा हूं वो सीधे सीधे आपके लिए कहा जा रहा है, और आप स्वयं अपने अंदर उसको देखें। विशेष रूप से जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं उनको ये भी क्लैरिटी रहे कि जो भी कुछ कहा जा रहा है वो एक प्रपोजल है, प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव को आप माने ऐसी आपसे अपेक्षा नहीं है। तो जो भी कहा जा रहा है वो आप माने नहीं, क्योंकि हम चीजों को जानना चाहते हैं, क्योंकि जानने की अभिव्यक्ति ही जीना है। तो हमारा जानना हो जाए, जानने के लिए चीजों को जांचना हमारी आवश्यकता है। जांचने का सामर्थ्य मानव में है। हमसे बहुत एक चूक हुई है कि हमने मानव के जांचने के सामर्थ्य का सम्मान नहीं किया। घर परिवार में बच्चों के साथ, स्कूल में अपने बच्चों के साथ, हमारे इवन एडमिनिस्ट्रेशन ने या हमारे मैनेजमेंट ने जिस तरह से हम कर रहे हैं उसमें एक मानव में जांचने का सामर्थ्य है। तो जांचने के सामर्थ्य को बोला कि वो तीन भाग में है। एक उसको कहा स्वनिरीक्षण, दूसरा कहा परीक्षण, तीसरा कहा सर्वेक्षण। और जांचने का स्वनिरीक्षण का मतलब है सीधे सीधे स्वयं में देखना, अपने में उस सच्चाई को जांचना। यदि मुझ में है, क्रॉस चेक करने के लिए परीक्षण और सर्वेक्षण है, फिर जिनके साथ मैं जीता हूं उनके साथ कैसा है, है ना, मेरे पत्नी बच्चों के साथ, भाई बहन के साथ, कॉलेज में, फैक्ट्री में, और फिर सभी के लिए ऐसा है कि नहीं है। यदि तीनों में जांचना पूरा होता है तो हम किसी यूनिवर्सल समझ तक पहुंचते हैं। यूनिवर्सल समझ को पहचानने का जो पैरामीटर है, इसका मतलब है कि वो सार्वभौम तो है ही है, वो यूनिवर्सल है। यदि हम एजुकेशन में बात कर रहे हैं तो वो तर्कपूर्ण हो इसकी आवश्यकता है, लॉजिकल हो, सार्वभौम हो, तर्कपूर्ण हो, और वो जीने का स्वरूप हो, उसको जिया जा सकता है, केवल बात नहीं की जा सकती। जैसे धर्म और अध्यात्म की जगह में बहुत सारा कुछ ऐसा है जो अनुभूति में आता है, लेकिन वो जीने की चीज नहीं है, उसको व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। लेकिन यदि हम शिक्षा में बात कर रहे हैं तो वो जीने का स्वरूप, उसकी आवश्यकता है। और एक के लिए हो कि सभी के लिए हो, सभी के लिए प्रैक्टिसेबल हो, प्रैक्टिसेबल हो एक व्यक्ति के लिए, सभी के लिए प्रैक्टिसेबल हो, तो लॉजिकल हो, प्रैक्टिसेबल हो,
रेप्लीकेबल हो, यदि इतना हो गया तो ये वेरीफाइबल हो गया। यूनिवर्सल हो, लॉजिकल हो, प्रैक्टिसेबल हो, रेप्लीकेबल हो, तो ये वेरीफाई हो गया। इसका नाम शिक्षा है। इससे कम में हम शिक्षा की बात नहीं कर सकते। यदि ऐसा हो गया तो आदमी किसी भी समझ के साथ दो ही काम करता है, या तो वो कार्य करता है या वो व्यवहार करता है। व्यवहार मानव का मानव के साथ है तो व्यवहार करता है, तो व्यवहार में उभय तृप्ति हो जाए, म्यूचुअल फुलफिलमेंट हो जाए, तो इसका नाम न्याय है। और जब कार्य की बात कर रहे हैं तो परिवार में समृद्धि हो जाए और प्रकृति में संतुलन बना रहे ताकि आने वाली पीढ़ियां भी बेहतर जी सकें। अब किसी से पूछना पड़ेगा कि मैं सही हूं या गलत हूं, यदि इतना क्रॉस चेक हो गया। अभी हमारी परेशानी क्या है? अभी हमारी बड़ी परेशानी यह है कि मैं जो सोच रहा हूं ये ठीक है कि नहीं है। चार लोग अप्रिशिएट करते हैं तो मेरे को लगता है कि मैं ठीक सोच रहा हूं, और चार लोग बोल देते हैं ये सोचने का तरीका नहीं है तो मेरे को लगता है कि मैं ठीक नहीं सोच रहा हूं। तो अभी तक हमारे पास सही गलत का कोई यूनिवर्सल ग्राउंड नहीं है, कोई सार्वभौम आधार नहीं है, है ना। किसी एक समय था जब धर्म ग्रंथ हमारे बहुत दूरियों पे थे। कोई एक समुदाय रहता था, दूसरे समुदाय से बहुत संपर्क में नहीं आता था, है ना। तो किसी एक प्रकार की धार्मिक मान्यताएं उनके साथ चलती रहती थी। लेकिन आज ये हो गया कि इंटरनेट के माध्यम से हम सब आमने सामने बैठे हैं, हमारी सबकी मान्यताएं या एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। और आज की डेट में धर्म वो शब्द है जिससे हमने शांति का पैगाम देने की कोशिश की है, और धर्म आज भी वो शब्द है जिसपे सबसे बड़े युद्ध आज भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। धर्म आदमी को आदमी से जोड़ने का नाम है, या धर्म आदमी आदमी के बीच में दूरियां पैदा करने का काम है? क्या लगता है? जोड़ने का काम है। आज भी यदि आदमी आदमी के बीच में दूरी सबसे बड़ी दूरियां हैं तो वो किस आधार पर है? रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर। आज भी सबसे बड़ी दूरियां मानव मानव के बीच में यदि हैं तो वो धर्म के आधार पर है। तो इसका मतलब है कि जिस शब्द से हमारा आशय मानव जाति को एक दूसरे के साथ जोड़ना था, यदि वो शब्द हमारे बीच में अभी भी दीवारों के रूप में उपलब्ध है तो उससे जो भी भला हुआ उसका सम्मान करते हुए, जो भी यात्रा हमने उन तमाम धर्मों के माध्यम से की हैं और हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उसका जो भी पॉजिटिव पार्ट है उसको हम दिल से सम्मान कर सकें, लेकिन जो गैप्स हैं उनको कैसे पूरा कर सकें। आज जब हम एक दूसरे के आमने सामने, आज आपको कल तक कम से कम ये था ना कि लड़का आपकी जाति में शादी करेगा, 20 साल पहले ऐसा था। अभी ये हो गया कि बहू कहाँ से आएगी आपको पता नहीं, वो चलते रहता है, वो कहाँ तक चला गया पता नहीं, एक उंगली मारी जर्मनी चला गया, एक उंगली मारी कहीं कनाडा चला गया, तो बहू कहाँ से आएगी ये पता नहीं। यदि इसका अर्थ ये हो गया कि पूरा ग्लोब अब एक है, यदि हमको सभी अभी इकोनॉमी ग्लोबल है, पॉलिटिक्स ग्लोबल है, पर्यावरण ग्लोबल है, सामान ग्लोबल हैं, हमारे कपड़े ग्लोबल हैं, सब ग्लोबल है, कब हेयर स्टाइल बदल जाएगा, कब वो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं पता। तो जब ओवरऑल हम देखते हैं तो अब ये हो गया कि हम बिल्कुल सब आमने सामने खड़े हैं। यदि अब सबको एक दूसरे के साथ में जीना है तो कोई आधार हमको होने की आवश्यकता है कि किन आधारों पे किसको हम सही कह सकें। जैसे किसी एक का सुख दूसरे के लिए दुख हो सकता है कि नहीं, किसी एक का दुख किसी के लिए सुख हो सकता है। जब इन सारी चीजों को फिर हम देखते हैं तो फिर सही गलत का कोई एक आधार है, होने की आवश्यकता है कि नहीं है, उचित अनुचित का कोई एक आधार होने की आवश्यकता है कि नहीं है, और उसको यूनिवर्सल होने की आवश्यकता है कि नहीं है। यदि वो यूनिवर्सल होगा और यदि वो मानव तक पहुंचना है तो उसके पहुंचने का माध्यम क्या होगा? एजुकेशन के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। कोई भी एक धर्मगुरु, कोई भी एक व्यक्ति,
पूरी दुनिया के सभी लोगों के लिए समान रूप से स्वीकृत हो जाए, ऐसा इतिहास में अभी तक नहीं हुआ है। आगे भी कभी होगा ऐसा बहुत लग नहीं रहा है। लेकिन एक बात पकड़ में आ गई, यदि आइंस्टीन एक नियम बताते हैं और वो एजुकेशन में नियम के रूप में आ जाता है, तो हमको वो नियम यूज करने के पहले आइंस्टीन को अगरबत्ती दिखाना नहीं होता है। हे आइंस्टीन, मैं तुम्हारा नियम यूज कर रहा हूँ, जरा देख लेना, है ना? इसकी आवश्यकता नहीं है। हम समझते हैं तो काम करता है, नहीं समझते हैं तो नहीं काम करता है। तो समझ ही पूजा है, है ना? समझ ही पूजा है, और समझ पूर्वक वो आचरण में ट्रांसलेट हो जाए, यही श्रद्धा का अर्पित होना है। आचरण में कोई चीज ट्रांसलेट हो गई, यही मेरी श्रद्धा को अर्पित करने का तरीका है, बाकी सब बीच की यात्रा है। तुमने क्या कहने की कोशिश की, क्या कहने की कोशिश की कि जो भी कहा जा रहा है वो एक प्रपोजल है, आप असहमत होने का प्रयास करें समझने की जिम्मेदारी के साथ। तरीका क्या होगा, सबसे पहले उसको स्वनिरीक्षण अपने में देखें, फिर परीक्षण सर्वेक्षण से देखें। यदि कोई समझ होगी, समझ होगी का मतलब ये प्रकृति अपने आप में नियम पूर्ण है या सब कुछ रैंडम है। यदि नियम पूर्ण है तो फिर उसको लॉजिकली समझा जा सकता है, यदि नियम पूर्ण है तो वो यूनिवर्सल है, उसको लॉजिकली समझा जा सकता है, उसको जिया जा सकता है, सभी के लिए संभव है। इस तरह से वो समझ वेरीफाई होता है। जब वेरीफाई करने की बात कर रहे हैं तो व्यवहार में हम शिकायत मुक्त हो जाएं। हम हर संबंध को कैसा देखना चाहते हैं, हम शिकायत मुक्त देखना चाहते हैं। व्यवहार में शिकायत मुक्त हो जाएं और जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें अभाव के भाव से मुक्त हो जाएं और प्रकृति में ऐसा आदिकाल तक सभी जी सकें, इस तरह की एक कामना, इससे ज्यादा की कल्पना हमारे पास है नहीं, ये साकार होती हुई हमको दिखाई दे जाए तो हमारा शिक्षा, हमारा परिवार, समाज सफल होने का एक आधार हमको दिखाई देता है। तो इस प्रस्ताव पे हम बात करते रहेंगे। मैंने कहा कि हर मानव किसी भाव और विचार के साथ है। एक मानव जब भी किसी भाव और विचार के साथ होता है ना, बेसिकली वो सुखी होना चाहता है। जब भी वो कोई चीज को मानता है तो मानव में मानना नाम की काम हो रहा है, मानने का काम हो रहा है। सारा मानना किस बात के लिए है, सुखी होने के लिए है कि दुखी होने के लिए? सारा मानना सुखी होने के लिए है, सारा मानना सुख के अर्थ में है। और आदमी जिस चीज को स्वयं को मानता है दूसरे को भी उसको मनवाता है कि नहीं? यदि मम्मी को लगता है, टीचर को लगता है कि 90% आने से ही इसका भविष्य सफल होगा, अब 90% आने से होता है कि नहीं होता है बाद की बात है, लेकिन हम पूरी मेहनत उसके लिए करते हैं। तो जो जिसको श्रेष्ठ मानता है, जो जिन आधारों पर ये मानता है कि ऐसा होने से मानव सुखी हो जाएगा, वो उसके लिए पूरी ताकत के साथ में प्रयास करता है। तो फिर वो दूसरों को भी उस चीज को जैसा वो मानता है वैसा दूसरों को भी मानने की अपेक्षा करता है। तो एक का मानना से दूसरे का मानना, इस प्रकार एक मानव दूसरे मानव को नियंत्रित करता है। इस प्रकार एक माता पिता अपने बच्चों को नियंत्रित करते हैं, हम सभी जगह एक दूसरे को नियंत्रित कर रहे हैं। जब एक व्यक्ति अपने मानने से दूसरे को मानने को प्रभावित करता है ना, बलपूर्वक करे, स्नेहपूर्वक करे, कैसे करता है उसके कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के एक मानव दूसरे मानव को नियंत्रित करता है। अब यदि हम ब्रॉडली देखें तो अभी तक धरती पे तीन तरीके से आदमी को नियंत्रित करने का प्रयास हुआ। किसी समय में धर्म ने सबको नियंत्रित किया, किसी समय में राज्य ने सबको नियंत्रित किया, और किसी समय में व्यापार ने लोगों को नियंत्रित किया। कब 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 आजकल कैसा है, व्यापार नियंत्रित किए हुए है।
धर्म को भी व्यापार चलाएगा, राजनीति को भी व्यापार चलाएगा, शिक्षा को भी व्यापार चलाएगा, अभी सब चीज को व्यापार चलाता है। कब ऐसा काल था जब धर्म सब चीज को चलाता था? ऐसा भी कोई समय था है ना? पोप के पहले वाला, यदि वेस्टर्न सोसाइटी में जाएं है ना, कोई 150-200 साल पहले या 300 साल पहले जो भी समय रहा होगा, उसमें जो भी कुछ था, बेसिकली ये कहा जा रहा है कि विज्ञान धर्म की प्रतिक्रिया में पैदा हुआ। जो भी कुछ विज्ञान में लिखा गया, जब कुछ लोगों ने देखा कि रियलिटी ऐसा नहीं है, तो गैलीलियो लोगों जैसे लोगों ने कुछ कहना शुरू किया कि नहीं, जो कुछ धर्म के किताब में लिखा है रियलिटी उससे भिन्न है ना। तो ऐसे लोगों को जो भी सजा दी गई उससे कि उसकी प्रतिक्रिया में फिर ऐसी एक श्रृंखला